आप देखिए शेयर बाजार लाइव, किरण जादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिमी भौमिक जी मौजूद हैं और साथ ही साथ अब सुनील जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक से। सुनील जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। मुद्दा ये है कि सितंबर सीरीज में अप्रोच कैसे करें मार्केट्स को। पिछले सीरीज में तो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं था इंडेक्स में, मेन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब सितंबर सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है सर? हमारा मानना है कि नियर टर्म में लॉट मोर डिपेंड ऑन, मुझे लगता है आज के जो स्टेटमेंट और आगे परसेप्शन किस तरीके से फेड का बनता है कि वो रेट इंक्रीज नियर टर्म में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सितंबर में एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अगर दिसंबर का भी अगर एक्सपेक्टेशन बनता है कि नियर टर्म में वो इंक्रीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा इंडिकेशन आएगा और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने लगेंगी और हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो और उसके कारण रुपया और इमर्जिंग मार्केट की करेंसी पे थोड़ा प्रेशर आए और उसके कारण पॉसिबिलिटी है कि अगर रुपये पे प्रेशर आएगा और अगर बायस ये बनता है कि रुपया यहाँ से थोड़ा डिप्रिशिएट होगा तो फ्रेश FII फ्लो आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा परचेज करने के मूड में नहीं है, तो एक फंड फ्लो आने के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस आएगा, तो मुझे लगता है कि उसके कारण मार्केट पे हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर आए। नो डाउट फंडामेंटल इंडिया के काफ़ी स्ट्रांग है और गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है सेकेंड हाफ में अर्निंग में भी वो काफ़ी कुछ दिखाई देने लगे और उसका मार्केट काफ़ी कुछ उस चीज़ का फैक्टर भी कर रहा है, तो नो डाउट डाउनसाइड कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि इस एक्शन के कारण थोड़ा प्रेशर आ सके मार्केट में। जी, हालांकि इस पूरी ही सीरीज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्रंट पर तीन चार बड़े इवेंट्स हैं। RBI गवर्नर जो है नए उर्जित पटेल, वो इसी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कार्यभार संभालेंगे। यहाँ पर फेड की बैठक भी होनी है, रेट्स को लेकर क्या स्टांस रहेगा। OPEC की एक इम्पॉर्टेंट मीट है और इसी सीरीज के एंड में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन, वो भी शुरू होगा। तो ये कुछ क्रूशल इवेंट्स रहेंगे इस पूरी ही सीरीज में। लेकिन खबरों वाले शेयर्स में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायोकॉन से, क्योंकि बायोकॉन सबसे पहली चीज तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ही कंसिस्टेंटली रहा है फाइनेंशियल टर्म्स में भी और साथ ही साथ शेयर प्राइस टर्म्स में भी। लेकिन एक और एक अहम खबर आई है जो कि इस स्टॉक के रनअप की विजिबिलिटी को और एक्सटेंड कर सकती है। क्या खबर है पूरी समझ लेते हैं सुमित से। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। देखिए बायोकॉन ने जो अपने नंबर्स में यानी जिस तिमाही के नंबर्स आए थे उसके साथ ही ये बात साफ की थी कि करीब करीब $3,000 करोड़ का जो बाजार है, स्पेशली कैंसर मार्केट या फिर डायबिटीज़ मार्केट, इसको लेकर कंपनी टारगेट कर रही है और इसी को लेकर उनके जो फेज 2 ट्रायल्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे दवाओं के। तो उसी श्रृंखला में कंपनी ने एक और दवा जिसका नाम है ट्रास्टुजुमाब, उसको लेकर EU रेगुलेटर के पास एप्लीकेशन दी है। माइलन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी इस दवा के लिए एप्लीकेशन दी है और इफ़ इन केस मंजूरी मिलती है बायोकॉन को तो उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। करीब करीब $650 करोड़ का बाज़ार है ट्रास्टुजुमाब का और अगर मंजूरी मिलती है तो यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी और एक बड़े मार्केट को चेज करने लग जाएगी बायोकॉन, जो कि फिलहाल अनएक्सप्लोर्ड मानी जा रही है। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है और कंपनी का ये भी कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी बीमारी मानी जा रही है, तो कंपनी के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा इफ़ इन केस ये दवा मिलती है और ख़ास तौर से इस बीमारी को लेकर भी एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। रफली 20 लाख पेशेंट्स यहाँ पर डिटेक्ट किए जाते हैं सालाना आधार पर इस बीमारी को लेकर, तो कंपनी ने कहा कि बड़ी मार्केट भी खुलेगी और साथ साथ एक बड़ा डेवलपमेंट भी इस पूरी मार्केट्स के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ जुलाई में भी कंपनी को रिसेंटली पेगफिल ग्रास्टिम को लेकर मंजूरी मिली थी, जिसके बाद एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था शेयर प्राइस में। कंपनी ने यह भी कहा है कि यूरोपियन मार्केट के बाद और बाकी मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल यूरोपियन मार्केट्स में अगर ऐसी मंजूरी मिलती है माइलन के साथ इस दवा को लेकर तो एक बड़ी पॉसिबिलिटी कंपनी के लिए ओपन अप हो जाएगी और एक बड़े बाजार में कंपनी विस्तार करते हुए दिखाई पड़ेगी, तो एक अच्छी खबर बायोकॉन के लिए कही जा सकती है। पहला स्टेप एटलीस्ट क्रॉस किया लेकिन दूसरा स्टेप काफ़ी क्रूशल रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। सुनील जी आप ही के पास मैं आता हूँ। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है यूरोपियन रेगुलेटर, वो बायोकॉन और माइलन की कैंसर ड्रग दवा की एप्लीकेशन को रिव्यू कर रही है। मंजूरी मिलती है तो एक बड़ा बाजार जो है वो बायोकॉन के लिए खुल सकता है। आपका क्या टेक है इस खबर के ऊपर और खासतौर से बायोकॉन, क्योंकि 2016 में वन वे ट्रेजेक्ट्री पे है सर ये स्टॉक। नो डाउट बायोकॉन अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। अर्निंग्स की विजिबिलिटी इसकी मुझे लगता है कि काफ़ी दूर है। नो डाउट बायोसिमिलर नेक्स्ट फ्यूचर डायरेक्शन है सभी फार्मा के कंपनी के लिए और काफ़ी कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है,
और बायोकॉन उसमें लीड काफ़ी पहले से ले रखा है। ये सब चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव बायोकॉन के लिए हुई है, बट अगर आप देखेंगे तो ईयर टू डेट प्राइजेस भी काफ़ी कुछ इंक्रीज हो गई है। परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में प्राइजेस मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई है। तो ये लेवल पे फर्दर परचेज करना या बाय करना आई थिंक नॉट एडवाइजेबल जी। लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट है बायोकॉन के लिहाज से, और अगर अप्रूवल मिलेगा तो जिस तरह सुमित ने भी समझाया कि एक नया मार्केट कंपनी के लिए ओपन होगा। स्टॉक आप देखें बीते 4 महीने में या फिर बीते 6 महीने में तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये शेयर। सिमी आपका टेक्निकल व्यू क्या है बायोकॉन पर? देखिए एकदम जो परफॉर्मेंस दिया है लास्ट एक साल से करीब, उसके बाद तो कोई भी स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग नज़र आएगा। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि नया पोजीशन लेने के लिए एक सपोर्ट का ढूंढना पड़ेगा। जो सपोर्ट ये छोड़ के आया उसके बाद ही इसका ब्रेकआउट आया था 850-855 का। शॉर्ट टर्म का कोई भी पोजीशन के लिए 850-855 का स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई उससे भी ज़्यादा समय के लिए मतलब होल्ड करने का कोशिश में है तो मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट 820-840 के पास आसपास है। 820 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजिशन मेंटेन किया जा सकता है, या अगर कोई डीप में ये स्टॉक मिलता है 850 से 840-830 से बीच तो 820 से नीचे स्टॉप लगा के ये ख़रीदना चाहिए। इसमें नया टारगेट 900 क्रॉस करने के बाद दिया जाएगा। हो सकता है ये स्टॉक धीरे धीरे जाके 950-970 के आसपास जाके सेटल करे, पर बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रखेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ मेंटेन करना पड़ेगा। किरण, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा आपसे सिंजीन पे, जिस तरीके की कल बाइंग इमर्ज हुई है सिंजीन पे, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अब चार्ट्स क्या बता रहे हैं एट 462 लेवल्स, क्या आप खरीदारी करेंगे स्टॉक में या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? बिल्कुल बाय ही करके चलना चाहिए क्योंकि इसने एक मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट पैटर्न किया है जिसका टारगेट बहुत बड़ा होता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है, चार्ट के हिसाब से सारे इंडिकेटर ऑसिलेटर्स सारे के सारे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मर स्टॉक रहेगा, बहुत अच्छे कंसल्टेशन के बाद ये स्टॉक निकला है और कैचअप रैली बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। तो मेरा मानना है कि आज के ट्रेडिंग सत्र के लिए टारगेट्स 488 के रहेंगे, पर मैं अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो ये इजीली 650-700 तक जाने की संभावना बन जाती है अगले अगर कोई 3 से 6 महीने की विंडो ओपन करता है। तो 3 से 6 महीने में 700 प्लस लेवल्स भी टच कर सकता है सिंजिन, ऐसा किरण मानते हैं। लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं, और जो पहला स्टॉक है आज खबरों में वो है दीवान हाउसिंग का। एनसीडी के जरिए 2000 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की। पूरे ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स कल के सेशन के अगर आप देखेंगे तो दीवान हाउसिंग नहीं चला, लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स पर जब इंडिया बुल हाउसिंग हो, LIC हाउसिंग हो, इनमें बाइंग देखी जा रही थी। तो दीवान हाउसिंग शायद आज परफॉर्म कर सकता है। मंधाना इंडस्ट्रीज बीइंग ह्यूमन के साथ एक्सक्लूसिव करार किया है, मंधाना रिटेल को अलग लिस्ट कराने की भी योजना है। तो आज और बीते सेशंस में हमने देखा भी है कि 50 रुपये के लो स्टच करने के बाद ये कंसिस्टेंटली अपर सर्किट में था, कल भी 5% बढ़कर बंद हुआ और ये एक्सटेंड कर सकता है मूव, क्योंकि बीइंग ह्यूमन के साथ ही करार टूटने की खबरों के बीच में काफ़ी हैमरिंग स्टॉक की हुई भी थी, लेकिन आज वापस ट्रैक्शन गेन कर सकता है। एक आप देखिए कॉक्स एंड किंग्स, स्मॉल वर्ल्ड ने कंपनी के 2 करोड़ शेयर बेचे हैं और बल्क डील के जरिए हिस्सेदारी बेची है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि खबरों में हैं, लेकिन इन तीनों में से मैं दीवान हाउसिंग पर एक कमेंट ले लेती हूं। सुनील, आपका कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? एक स्ट्रांग परफॉर्मर रहा है और 280 के लेवल्स पर आ चुका है, इन स्तरों से भी आगे जाने की संभावना लग रही है? सीधे दीवान हाउसिंग हम लोग रिकमेंड कर रहे थे करीबन 200 के लेवल पे, और उसके बाद में एक अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया है। अगर आप देखेंगे तो पूरे NBFC स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस इस बार लेगार्ड था, बट अब कैचअप कर रहा है। तो मुझे लगता है कैचअप का प्रोसेस काफ़ी कुछ हद तक हो गया है। ये लेवल पे परचेज करना एडवाइजेबल नहीं है, नो डाउट। इन्हें ये जो NCD इशू ये हुआ और इसके पहले हुआ उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ, और उसका रिफ्लेक्शंस अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में आया। इन्होंने जो एक एग्रेसिव NCD लास्ट टाइम इशू किया था और जिसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा एक्सेस आया था, तो उसके कारण उनका कॉस्ट ऑफ फंड कंपेरेटिवली नीचे आया था और उसका एडवांटेज आप देखते हैं शेयर प्राइस में भी आ रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइजेस पे थोड़ा रुकना चाहिए, ये प्राइजेस खरीदने की नहीं है, कोई अच्छा करेक्शन यहाँ से आवे तो फिर परचेज किया जा सकता है। फाइनेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं तो इक्विटास के ऊपर खबर ये है कि इंडिया रेटिंग ने कंपनी की NCDs की रेटिंग बढ़ाई है, रेटिंग A- से बढ़ाकर A+ कर दी है, तो एक पॉजिटिव खबर है इक्विटास के लिए।
मरनापुरम फाइनेंस एनसीडीज के जरिए 225 करोड़ जुटाने की योजना है। प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए रकम जुटाई जाएगी मरनापुरम फाइनेंस में। और कल के सत्र में मरनापुरम मुथूट जैसे स्टॉक्स पे ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। किरण, इन दो इसी स्पेस में, ये क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था इक्विटास की, इस स्पेस से, माइक्रो फाइनेंस स्पेस से कोई स्टॉक इस समय आपको लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा? इक्विटास ले लें, फिर भारत फाइनेंशियल, इनफैक्ट कल भारत फाइनेंशियल में जिस तरीके की खरीदारी थी एक्सपायरी के दिन, क्या लगता है सीरीज की शुरुआत बेहतर हो सकती है? भारत फाइनेंस वैसे भी मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और मेरा मानना है कि ये और भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मुझे अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, अच्छा बेस करीबन उसका 740 के करीब आता है, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वापस एक बार 800 के ऊपर चलना चालू कर देगा। 800 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। एक बार 800 के ऊपर जाएगा तो ये वापस एक बार डिमांड में देखने को मिल जाएगा ये स्टॉक। लॉन्ग टर्म चार्ट इसके बहुत बेहतरीन है, तो मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 800 का लेवल देखने को मिल जाना चाहिए। जी, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा नालको का, जहां पर आज खबर है कंपनी की बायबैक जो है वो 30th अगस्त से 14 सितंबर तक खुलेगा, और कुल 25% हिस्से का कंपनी बायबैक करेगी 44 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर, यानी कल के क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे का प्राइस बायबैक का तय किया है कंपनी ने। तो नालको पर आज खबर है। एक आप देखिए, इंडियन होटल एनसीडी के जरिए 700 करोड़ जुटाने के लिए शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मिला है, 1% बढ़कर कल ये बंद हुआ था, लेकिन आज अगेन खबरों में है। एक इक्विटास होल्डिंग इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी की एनसीडीज की रेटिंग बढ़ाई है और ए नेगेटिव से बढ़ाकर ए पॉजिटिव की रेटिंग दी है। और एक मन्नापुरम फाइनेंस को भी देख लीजिए, यहाँ भी फंड एक्शन है, एनसीडीज के जरिए 225 करोड़ जुटाने की योजना है, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ये रकम जुटाई जा सकती है। लेकिन एक वी टू रिटेल पर बात कर लेते हैं, और इस पर बात करने की दो वजह है। पहला तो ये कि कल एक स्ट्रांग मूवर था, कल के सेशन में 20% के गेंस लेकर ये क्लोज हुआ था, और आज खबरों में भी है कि 31st अगस्त को कंपनी की बोर्ड मीट है और प्रमोटर को शेयर जारी करने को लेकर फैसला हो सकता है। सिमी, वी टू रिटेल पर आपके कमेंट्स क्या है, स्पेशली कल के मूव को देखने के बाद? देखिए दीपाली, एक अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है, 700 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट भी, 70 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया था, अभी ये स्टॉक आके 84-85 के आसपास आ चुका है, और इसमें जो हाई दिख रहा है लास्ट अगस्त के महीने में, मतलब लास्ट ईयर के अगस्त के महीने में 87 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, ये इसका ऑल टाइम हाई तो नहीं है, पर ये रिसेंट पास में इससे ऊपर जाके कभी ये बैठा नहीं था, तो अभी आज शुरू में 87 का रेंज क्रॉस करके, लेवल क्रॉस करके सस्टेन करना इसके लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे जाके ये स्टॉक 100 की ओर भाग सकता है। चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है, ब्रेकआउट्स भी अच्छा आया है, वॉल्यूम का भी साथ है, तो मुझे लगता है कि 100 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 75-76 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 100 का टारगेट मिनिमम इसमें देखना चाहिए।